हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं लैंडस्केप लवर। तो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप फास्ट सब्सक्राइबर कैसे हासिल कर सकते हैं, जो कि आजकल आपको पता है यूट्यूब का ज़माना है, लोग यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं। तो मैं आपको सबसे कुछ आसान ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप हफ्तों में आपके सब्सक्राइबर जितने हैं उनसे डबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना होगा कि आपने कोशिश करनी होगी कि आपकी जितनी भी क्वालिटी वीडियोज़ हैं वो अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए, और जितने वीडियोस हैं जो आपके जो क्वालिटी जिनकी अच्छी है, मतलब जिनकी अच्छी नहीं है, तो इनको कोशिश करें कि आप रिमूव करें, और अपने चैनल को बिल्कुल जितने ऐसे वीडियोस छोड़ें जो बिल्कुल साफ हो, क्वालिटी अच्छी हो। अगर आप इनको रिमूव नहीं करना चाहते हैं तो आप इनको अनलिस्टेड कर दें, ताकि आप किसी एक ऐसे बंदे को सेंड कर सकें जो लिंक के जरिए आप उनको सेंड कर सकते हैं, सिर्फ आप देख सकते हैं और आप किसी लिंक के जरिए उनको सेंड कर सकते हैं। सो मेरा एडवाइस यही है कि आप जो गुड क्वालिटी की जो जितने भी वीडियोज़ हैं उनको आप छोड़ दीजिए। और दूसरा ये है कि जो नया कंटेंट आ रहे हैं, जो जो भी नया ट्रेंडिंग टॉपिक हो, तो आप कोशिश करें कि उस टॉपिक पे ज़्यादातर ज़्यादा वीडियो बनाया करें। तो उससे ये होगा कि आपकी वॉच टाइम और ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगा। और जो स्मॉल यूट्यूबर हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप जितने भी वीडियो बनाएं, आप कोशिश करें कि आपकी जो वीडियो है वो 5 मिनट से कम हो, 5 मिनट से कम हो, क्योंकि आप स्मॉल यूट्यूबर हैं। अगर आप 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे तो कोई भी नहीं देखेगा। कोशिश करें छोटी छोटी वीडियोज़ बनाएं, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे, आप देखते हैं कि मेरी वीडियोज़ में व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप इसको फिर बढ़ा सकते हैं। लेकिन पहले कोशिश ये करें कि जितने भी वीडियोज़ आपने बनानी हो वो सब 5 मिनट से कम हो। तो 5 मिनट से ज़्यादा कोई भी कोशिश ना करें, कोई भी वीडियोस ना बनाएं, और हमेशा अपने अपने वीडियोस जो शुरुआत करनी है उस शुरुआत में हमेशा आपने यही कहने के आपने मेरे वीडियो एंड तक देखने हैं, और ये मस्त कहना, और कोशिश करें कि ऐसी ऐसी बातें कहें कि बंदा आपकी वीडियो ना छोड़े। आपने कुछ बातें आखिर में बतानी है, कुछ बातें बीच में बतानी है, ताकि लोग आपके वीडियोज़ देख सकें। और आखिरी कुछ एक और टिप्स है कि आप कोशिश करें कि आपके जितने भी अच्छी क्वालिटी की जो वीडियोज़ हैं आपने उन सबको एक प्लेलिस्ट में डालनी है। अगर कोई बंदा आपकी वीडियो देखे तो कोशिश करेगा कि यार और वीडियो, जब प्लेलिस्ट में एक वीडियो आप पोस्ट करते हो तो वो वीडियो ख़त्म होती दूसरी वीडियो सामने आ जाती है, तो बंदा वो पहले वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो भी ज़रूर देखेगा। तो कोशिश करें कि आपने जितनी भी अच्छी वीडियोज़ हैं जिस पे व्यूज़ आपके अच्छे आ रहे हैं उन सबको एक प्लेलिस्ट में डाल दें। तो इसी तरह जिस टॉपिक पे आप एजुकेशन के बारे में कुछ बताते हो तो उन सबको भी कोशिश करें कि एक ही जो प्लेलिस्ट है।